झारखंड समाचार। देश भर में 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेजेस। कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने देश भर के स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है। 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने की केंद्र की गाइडलाइंस के बाद अब राज्य सरकारें भी स्कूल खोलने के लिए नियम कायदे बनाने में जुट गई है। केंद्रीय दिशा निर्देश के तहत 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे अपने माता पिता से लिखित परमिशन लेकर स्कूल जा सकते हैं। झारखंड हरियाणा समेत कई राज्य सरकारें चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की तैयारी में जुट गई है, तो कुछ सरकारें अभी इसको लेकर असमंजस में दिख रही है। सीता सोरेन के बगावती तेवर, कहा उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी। राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा में उठा विवाद अब तूल पकड़ता दिख रहा है। गुरुवार को जामा की विधायक सीता सोरेन ने महासचिव विनोद पांडे के खिलाफ झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से शिकायत की थी। इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने अपने तेवर और तकल कर दिए हैं। उधर उनकी बेटियों ने मां के सुर में सुर मिलाते हुए कार्रवाई नहीं होने को दुखद बताया। 709 करोड़ का योजना, बिहार झारखंड यूपी के 18 जिलों को सीधा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को बिहार में 709 करोड़ की एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और गैस पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। यह जानकारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक व स्टेट हेड विभास कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पारादीप मुजफ्फरपुर एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के तहत पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में एचपीसीएल प्लांट के साथ दुर्गापुर बांका क्षेत्र में इंडियन ऑयल के बांका एलपीजी प्लांट के अलावा 634 करोड़ रुपए की 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,040 के पार। 43,328 संक्रमित हुए स्वस्थ, 532 की मौत। झारखंड में 51 साल से अधिक उम्र वालों के लिए अब तक कोरोना जानलेवा साबित हुआ है। पहला संक्रमित मिलने के 170 दिन बाद अब तक 532 लोगों की मौत राज्य में हो चुकी है। इसमें 385 संक्रमित इसी वायु वर्ग के थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में इस तथ्य की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 661 नए मामले आए, 51 साल से अधिक उम्र वालों के लिए ज्यादा जानलेवा। झारखंड राज्य में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। अब पिछले 24 घंटे के दौरान यहां पूरे राज्य में 661 मामले सामने आए हैं। इसमें से 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही राज्य में दावा किया गया जा रहा है कि 51 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए यह बीमारी सबसे ज्यादा खतरनाक है। झारखंड में आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मी, झारखंड में सहायक पुलिसकर्मी आंदोलनरत हैं और अब इसकी आग राजधानी रांची को भी देखने को मिल रही है। 2269 सहायक पुलिसकर्मी वर्तमान में सूबे की विधि व्यवस्था में अपना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन अब इनकी नौकरी को लेकर समीक्षा की जा रही है कि उन्हें रखना फायदेमंद है या नहीं। इसी को लेकर पुलिस मुख्यालय ने एक पत्र जारी किया है, जिसके बाद ही वे बवाल मान चढ़ा है। प्रदेश के 12 जिलों में पैदल चलकर सहायक पुलिसकर्मी सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए रांची पहुंचे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने झारखंड पुलिस की तारीफ। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने मानव तस्करी की शिकार झारखंड की बच्चियों को गुजरात से मुक्त कराने में तत्पर दिखाने को लेकर झारखंड और गुजरात पुलिस की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अपने त्वरित कार्रवाई कर इन बच्चियों को सकुशल बरामद कर उनकी जिंदगी बचाई है। बचपन बचाओ आंदोलन झारखंड को मानव तस्करी मुक्त बनाने के लिए आगे भी कार्य करना रहेगा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पूरा भरोसा जताया है। सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर ढुल्लू की सदस्यता पर लिया जाएगा निर्णय, विधानसभा अध्यक्ष। भाजपा के बाहुबली विधायक ढुल्लू महतो की विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटकती हुई है। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो ने केरल विधानसभा के एक सदस्य का हवाला देते हुए ढुल्लू महतो की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस मामले पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो का कहना है कि ढुल्लू की सदस्यता रद्द की मांग का मामला उनके समक्ष विचाराधीन है। हर कानूनी पक्ष को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है। इस मामले में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।
झारखंड के 117 मदरसों को हेमंत सरकार ने दिया तोहफा। राज्य के 117 मदरसों के 425 शिक्षक और शिक्षकतर कर्मियों को 38 महीने के बाद अब अनुदान मिल सकेगा। जुलाई में कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा था। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बैठी त्रिसदस्यीय कमेटी ने राशि भुगतान पर अपनी सहमति जताई है। इसके बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मदरसों के शिक्षक और शिक्षकतर कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए 58 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। राशि भुगतान नहीं हो पाने कारण मुख्यमंत्री ने संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और विधायक सुदीप्त कुमार सोनू की 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। झारखंड में मजदूरों के पलायन की आड़ में मानव तस्करी का खेल, सरकार प्रशासन बेबस। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में राज्य सरकार और जिला प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद मानव तस्करी जारी है। ऐसा कोई दिन नहीं जब 200 से 300 लोग रोजगार के लिए दक्षिण पश्चिम के राज्यों में पलायन नहीं कर रहे हो। कई बार पुलिस और आदिवासी संगठनों ने इन्हें पकड़ा भी, फिर भी पलायन जारी है। गत शुक्रवार को तमिलनाडु जा रहे 50 युवक युवतियों को, जिनमें से कुछ नाबालिग बच्चियां भी शामिल थी, पुलिस ने गुप्त सूचना पर रोका और एक तस्कर जवाहर दास को गिरफ्तार किया। वे सभी लोग चाईबासा के गांधी मैदान में बस के इंतजार में खड़े थे, तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तस्कर को पकड़कर सदर थाना लाया। बाद में सभी युवक युवतियों को उनके घर भेजा गया। इससे पहले 1 सितंबर को ही मंजारी थाना क्षेत्र में 2 सगे भाई बहनों को पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस समय भी करीब 100 युवक युवती, जिनमें से कई नाबालिग थी, ये तमिलनाडु जा रहे थे। झारखंड में 36 केंद्र पर होगी NEET परीक्षा, छात्रों के लिए है आवश्यक निर्देश। आज नीट 2020 परीक्षा का आयोजन होगा। इसके लिए राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में 36 सेंटर बनाए गए हैं। रांची में 25 सेंटर बनाए गए हैं, जहां करीब 13,000 स्टूडेंट परीक्षा में शामिल होंगे। पूरे राज्य में कुल 21,112 परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। नीट परीक्षा के माध्यम से ही देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में MBBS और BDS कोर्सेज की सीटों के एडमिशन होगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र में स्टूडेंट को दोपहर 1 बजे से प्रवेश मिलेगा। झारखंड के देवघर हवाई अड्डे से नवंबर के पहले सप्ताह में हवाई उड़ानें शुरू होगी। हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को देवघर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद घोषणा की कि नवंबर के पहले सप्ताह से यहां से कुछ हवाई उड़ानें शुरू हो जाएंगी। हवाई अड्डे के काम की समीक्षा करने यहां पहुंचे पुरी ने कहा कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पट्टी का काम पूरा हो गया है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में यहां से कुछ हवाई उड़ानें शुरू कर दी जाएगी। CM हेमंत सोरेन ने रिम्स जाकर की लालू प्रसाद से मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के रिम्स जाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात की। लालू प्रसाद रिम्स के केली बंगला में इलाजरत हैं। चारा घोटाला मामले में वह सजायाफ्ता हैं। इससे पहले इनका इलाज रिम्स के पेइंग वार्ड में चल रहा था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उन्हें केली बंगला में शिफ्ट किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी के खौफ में जी रहे हैं JSCA के पदाधिकारी। कहीं सौरभ गांगुली की तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके महेंद्र सिंह धोनी झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन में धमक न जाए, इसी खौफ के साये में जी रहे हैं पदाधिकारी। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि वार्षिक लेखा में माही नाम पर 1800 रुपये बकाया दिखाया जाता है। JSCA ने सोचा धोनी की बदनामी होगी और संघ की ईमानदारी की बोर्डिंग भी होगी, लेकिन यह दांव भी उल्टा पड़ गया। पूरी दुनिया में छीछा लेदर होने लगी है। इसी बीच JSCA के गलत कार्यों को उजागर करने वाले शेषनाथ पाठक ने चंदा कर 1800 रुपया जुटाया और किनन स्टेडियम स्थित कार्यालय पहुंच बकाया रकम लेने को कहा। कर्मचारियों के हाथ पांव फूलने लगे। तुरंत अकाउंट को फोन लगाया, आदेश आया, नहीं कोई पैसा नहीं लेना है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जनाब ने मीडिया ढिंढोरा पीट दिया था। झारखंड T20 लीग को मिला टाइटल स्पॉन्सर। झारखंड T20 लीग शुरू होने में मात्र गिनती के दिन बचे हैं और इससे पहले TCM स्पोर्ट मैनेजमेंट और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने टाइटल स्पॉन्सर की घोषणा कर दी है। कार्बन स्पार्ट फोन लीग का टाइटल स्पॉन्सर होगा।
जबकि ड्रीम इलेवन भी प्रायोजक होगी। वहीं फैन कोर्ट सभी 33 मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। लीग का आगाज 15 सितंबर को होगा और 17 दिनों में खेल 33 मैच रांची में खेले जाएंगे। इसमें 6 टीमें हिस्सा लेगी। खबर है मध्य प्रदेश से। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में आवास योजना के घरों का किया उद्घाटन। बोले, अब व्यापार का हॉटस्पॉट बनेंगे गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पीएम आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया और लोगों को उनके नए घर में गृह प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें नए घर के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर भी लोगों को सजग रहने का संदेश दिया। PFRDA ने अटल पेंशन योजना के ग्राहकों को दी बड़ी राहत। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। पेंशन कोष विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने अटल पेंशन योजना के ग्राहकों को राहत मुहैया कराने के लिए एक सर्कुलर जारी कर यह निर्देश दिया कि APY पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस की शाखाओं में APY सिटीजन चार्टर को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। प्राधिकरण की ओर से उठाए गए इस कदम का उद्देश्य APY लाभार्थियों को पेंशन योजना के नियमों और उनके दिशा निर्देशों के बारे में ठीक से जानकारी उपलब्ध कराना है। पीएम स्वनिधि योजना, रेहड़ी पटरी वालों के लिए 90% से अधिक लोन मंजूर। रेहड़ी पटरी वालों के लिए मदद के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने अब तक 90% से अधिक ऋण मंजूर किया है। यह दावा किया गया है कि वित्त मंत्रालय ने कहा कि COVID-19 महामारी के दौरान हुए लगाए गए लॉकडाउन के बाद इन लोगों को इसके अपना कागजात फिर शुरू करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए आत्मनिर्भर निधि योजना 1 जून को शुरू की थी। इससे COVID-19 से प्रभावित गरीब रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका की गतिविधि को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। खबर है पंजाब से। पंजाब में अब किसी भी डिपो से ले सकेंगे राशन। कैप्टन ने किया स्मार्ट राशन कार्ड योजना का शुभारंभ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सेवा लागू करते हुए पंजाब में किसी भी राशन डिपो से अनाज प्राप्त किया जा सकेंगे। रोजगार का मौका, 14,000 नए बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट बनाएगा HDFC बैंक। अगले साल मार्च तक नियुक्ति की योजना। दूरदराज और ग्रामीण इलाकों तक पहुँच बनाने के लिए देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक चालू वित्त वर्ष के अंत तक बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट की संख्या 2 गुना करने की योजना बना रहा है। HDFC बैंक की कंट्री हेड स्मिता भगत का कहना है कि मार्च 2020 तक हमारे बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट की संख्या 25,000 हो जाएगी। रेलवे समय से पहले 13,000 कर्मचारियों को देगा रिटायरमेंट। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। रेलवे ने अपने उम्रदराज कर्मचारियों को वक्त से पहले रिटायरमेंट देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए कर्मचारियों के काम की समीक्षा की जा रही है। इसमें वे कर्मचारी शामिल हैं जिनकी 55 साल उम्र या 30 साल नौकरी पूरी हो गई है, उनको आवश्यक सेवानिवृत्ति दी जाएगी। मंडल में ऐसे 13,000 कर्मचारी हैं। दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट को मुख्यालय के पास भेजा जाना है। बिजली वितरण कंपनियों के नकदी पैकेज को बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। बिजली वितरण कंपनियों के लिए नकदी पैकेज को इस महीने बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। सरकार ने डिस्कॉम को मार्च तक अपने बकाया के भुगतान के लिए 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों के जून तक के बकाया के आधार पर जल्द पैकेज को बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नकदी संकट से जूझ रही बिजली कंपनियों को अपने मार्च 2020 तक के बकाये के भुगतान के लिए मई में 90,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने दिया कोरोना वायरस से बचने का नया मंत्र। कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को कोरोना से बचे रहने की सलाह दी है। उन्होंने शनिवार को नया मंत्र देते हुए कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी का मंत्र भी न भूलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं बार बार कहता हूं कि जरूर याद रखिए, मेरी बात आप माने भी देखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, इस मंत्र को भूलना नहीं है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
बनकर तैयार हुए घरों का उद्घाटन करने के दौरान लोगों को कोरोना से हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी है। गायिका अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का 35 वर्ष की उम्र में निधन। गायिकी अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल का शनिवार को 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बतौर रिपोर्ट्स, आदित्य कुमार कुछ महीनों से किडनी संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। गायक व संगीतकार शंकर महादेवन ने इस खबर पर कहा, यह सुनकर बहुत ही दुखी हूँ। इस पर यकीन नहीं हो रहा है, कितने शानदार संगीतकार और प्यारे मनुष्य थे। भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न हो अफगानिस्तान की धरती, एस जयशंकर। दोहा में अफगान शांति समझौते पर सम्मेलन को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, हमारी अपेक्षा है कि अफगानिस्तान की धरती कभी भी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल न हो। उन्होंने आगे कहा, हमारे लोगों के बीच की दोस्ती अफगानिस्तान के साथ हमारे इतिहास का प्रमाण है। बदलेगा ट्रेन की बोगियों का डिजाइन और रंग, जानिए क्या हो रहा है चेंज। रेलवे ट्रेनों की बोगियों में बदलाव करने जा रही है। अब बोगियां अब अंदर से आरामदेह तो होंगी ही, आंखों को सुकून भी देगी। रेलवे ने बोगियों के अंदर के यात्रियों सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ रंगों में भी बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ औपचारिकताओं के बाद जल्द ही अंदरूनी दीवारें समुद्री हरे रंग में दिखाई देंगी। इसमें डॉक्टरों का कहना है कि हरा रंग आंखों का सुहाता है। विज्ञान इसकी वजह बताता है कि 7 रंगों के मिश्रण में यह सबसे बीच का रंग है। इसका वेव औसत होता है, जिसके यह आंखों में चुभता नहीं है। वर्कशॉप में काम कर रहे फोर ने आंखों को फोटोटाइप तैयार कर लिया है। जल्द ही इस फोटोटाइप को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। मंजूरी मिलते ही रंगों का बदलने का काम दूसरी बोगियों में भी शुरू कर दिया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।